हेलो, आप सभी जानते हो कि अभी मार्च एंडिंग चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग चल रहा है। उसकी वजह से हम आपके लिए नए वीडियो नहीं बना पा रहे। फिलहाल मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और इसके बाद के अब जो भी वीडियो होंगे, अभी तक हमने सारे जो भी वीडियो बनाए हैं सारे बेसिक वीडियो थे। अब हम फुल डिटेल और एडवांस में थोड़ा जाएंगे जिससे आप और अच्छी तरह से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सीख पाओ। आज मैं बात करूंगा एक्सवर्क इंकोटम। आपको इंकोटम पता हो तो कई सारी है, जैसे कि FOB है, CIF है, CNF है, DDP है, DDP, DDU, ओके। उसी तरह से आज हम एक एक्सवर्क्स करके इंकोटम है उसके बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे हम सारे इंकोटम्स और सारी जो भी चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटो, एवरीथिंग, हम फुल डिटेल में बात करेंगे। अब इसके बाद के जो भी वीडियो आएंगे डिटेल्स में और थोड़ा एक स्टेप ऊपर एडवांस में वीडियो आएगा। तो एक्सवर्क्स इंकोटम में क्या होता है कि जो सपोज कि आप एक्सपोर्टर हो और किसी कोई इम्पोर्टर आपसे माल मंगवा रहा है, या आप मैन्युफैक्चरर हो, कोई बाहर आपसे माल मंगवा रहा है, तो उसके अंदर सिर्फ आपकी जवाबदारी जो भी गुड्स होता है, या कार्गो आप बोलो या आप कॉमोडिटी बोलो, उसको आपको मैन्युफैक्चर करे तो मैन्युफैक्चरर, पैकिंग करके या कहीं से सप्लाई करे तो कहीं से और से लेके, सिर्फ आपको गुड्स रेडी करना है। एक्सवर्क में सामने वाला बंदा होगा, जो इम्पोर्टर होगा, बायर होगा, वो आपकी जगह से, आपका जो पिकअप पॉइंट होगा या आपका जो वेयरहाउस होगा या जो आपकी फैक्ट्री होगी, वहां से गुड्स पिक करेगा, ओके। और वहां के बाद पिकअप करने के बाद उसका कस्टम क्लियरेंस, उसके बाद जो भी शिपिंग लाइन में जो भी होता है बुकिंग वगैरह, और उसके वहाँ पे पहुँचेगा तब तक, और उसके बाद के वहाँ की ड्यूटी और इंपोर्ट क्लियरेंस, ये सारा खर्चा इंपोर्टर या बाहर उठाएगा। यानी कि एज अ एक्सपोर्टर आपको कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं है, ये सारा खर्चा इंपोर्टर करेगा। आपको सिर्फ अपना गुड्स रेडी रखना है और गुड्स का पेमेंट लेना है, बाकी सब कुछ अरेंजमेंट, वो पिकअप, कस्टम, शिपिंग लाइन, ड्यूटी, वहाँ के सारी चीज़ें इंपोर्टर करता है। तो अगर आपको एक्स वर्क टर्म पे आप काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ गुड्स रेडी करना है और कोई भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है, बाकी सब वगैरह इंपोर्टर करेगा। आशा है कि आपको ये वीडियो में एक्सवर्क टर्म्स इजीली समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम रिप्लाई करेंगे। अभी थोड़ा मार्च की वजह से हम थोड़ा बिजी, हम वीडियो नहीं बना पा रहे। कीप वॉचिंग अस ऑन यूट्यूब एंड थैंक यू वेरी मच।